गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय अमृतन सिंह, कैसे हो? आई होप काफ़ी अच्छे हो गया। फाइनली भैया रिजल्ट आउट हो चुके हैं, चाहे IBPS PO हो, क्लर्क हो, आप लोग बताइएगा आपका क्या रिजल्ट रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन सभी लोगों को जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है। और भाई जिन लोग जब सिलेक्शन होता है ना फाइनल, भाई मेरे को आज भी याद है मेरा अटेम्प्ट इतने साइन थे क्लरिकल में, और मेरा ये था कि कट ऑफ अगर गिरेगा तो मैं निकल सकता हूँ। सेम हुआ था, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे एक मार्क ज़्यादा मिल गया था और सिलेक्शन हो गया था। आज बैंक ऑफ इंडिया में 3 साल अब कम्प्लीट होने आ रहे हैं और प्रमोशन एग्जाम के लिए बैठेंगे। तो मैं यही बोलूँगा भाई, पहले हम उस तरफ थे, आज के बाद जो सिलेक्ट हुए होंगे अब वो कुर्सी के इस तरफ होंगे। जब आप बताओगे लोगों को कि आपका बैलेंस इतना है, मैडम KYC कर लो अपना, और वो अलग फीलिंग होती है भाई। और जो लोग अभी ज्वाइन करेंगे बायपार्ट लगने के बाद, उनकी सैलरी भी काफ़ी बढ़ चुकी है, रिवाइज सैलरी काफ़ी इंक्रीज हुई है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, चाहे वो PO हो या क्लर्क हो। बाकी जिन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं उन लोग को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मेरी वाइफ लगातार 3री बार इंटरव्यू दी, वो लास्ट ईयर ही SBI में जॉब सिलेक्ट हो गई थी, लास्ट ईयर भी इंटरव्यू गई थी, उसका कुछ मार्क्स रह गया था, बट स्टिल लाइक शी वॉज की और मेहनत करूँगी। और आप जानते हो स्टेट बैंक का वर्क कल्चर कितना हेक्टिक, कितना गंदा है। उसके बाद भी इस साल इंटरव्यू तक गई, हाँ शी मैनेज उसने कर नहीं पाई, 3 उसका रिजर्व लिस्ट 3 मार्क्स से गई और मेन फाइनल सिलेक्शन 4 मार्क्स से गया, उसका 37.68 समथिंग आया है। कहना मैं ये चाहता हूँ भाई, जब वो वर्किंग होके अपनी लाइफ में बेटरमेंट के लिए मेहनत कर सकती है जॉब के साथ, तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ मैं उन लोग को ये बोलूँगा, आप लोग घर पे अगर हो तो जितना मेहनत अभी करते हो उसका डबल मेहनत करो। हाँ, किसी को एक्सक्यूज मत दो भाई कि वैकेंसी कम थी या मेरे वो, आप एकदम शांत रहो भैया, सिर्फ एक चीज़ बोलो नहीं हुआ सिलेक्शन, और अपने रूम में या अपने कहीं जाके बैठ जाओ, एनालाइज करो क्या गलती करी, कहाँ हमें रेक्टिफाई करना है। क्योंकि सिलेक्शन होने पे तो बहुत लोग शाबाशी देते हैं, बट जब सिलेक्शन नहीं होते ना तो उतने ही ज़्यादा लोग हमें क्रिटिसाइज करते हैं, और वही टाइम होता है एस्पिरेंट का, या तो वो उस समय क्विट करता है या वो प्रेशर को हैंडल करता है, उसको लेके वो उस चीज़ को फ्यूल बना के, एनर्जी बना के पॉजिटिव वे में अप्रोच करता है आने वाली एग्जाम्स में, और फिर वो सिलेक्शन लेता है। मैं भी सेम आपके समान हूँ, 12 बार मेंस में फेल हुआ, मेरी वाइफ भी खुद आई गेस 7 to 8 मेंस में फेल थी, बट लगातार उसने 3 जॉब कंटिन्यूस निकाली। तो वही है, गिव अप मत करो, अपना बेस्ट डालो, क्या पता ये आने वाला साल आपका बेस्ट रिजल्ट दें। बाकी बस एक्सक्यूज मत देना किसी को भी, ना पेरेंट्स को ना अपने आप को, सिर्फ ये कोशिश करना रीस्टार्ट करो। वो मूवी थी ना 12th फेल, रीस्टार्ट तो रीस्टार्ट करो। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, अनसब्सक्राइब भी कर जाना। बाकी मिलते तब तक, जय श्री राम, जय श्री राम।